हमारी भावना एक ही है कि किसी भी कर्क रोगी को उसके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, पहुंच नहीं है, इसलिए उपचार नहीं मिलता, इस प्रकार की अवस्था निर्माण न हो, ऐसे हर व्यक्ति के लिए एनसीआई है। ये भावना हमको तैयार करनी है और इसको व्यवहार में हमको लाना है। एनसीआई का निर्माण हमने इसके लिए किया। और मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, देखिए ये तो कभी रुकावटें आती है, कोरोना के कारण शायद हमारा काम जिस तेजी से होना चाहिए था उसमें भी कई रुकावटें आई। हम लोगों ने भी अपने मन में इसको पूर्ण करने की जो संकल्पना की थी उसमें भी कोरोना के कारण कुछ हमारी तेजी भी कम हुई, पर मुझे पूरा विश्वास है हम लोगों ने जो तय किया है कि आने वाले फरवरी माह तक हम लोग एनसीआई का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ये जो हमने आज तय किया है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने प्रायः पिछले 20-25 सालों में देखा है कि हमारा काम तो है ही नहीं, ये तो हम सब लोगों के हाथ से ईश्वर कर ले रहा है, ईश्वर के आशीर्वाद से हो रहा है। क्योंकि जिस दिन एनसीआई शुरू हुआ था या जिस दिन इस संकल्पना को हम लोगों ने संकल्पित किया था, उस दिन शायद एक कुर्सी खरीदने के भी पैसे हमारे पास नहीं थे, लेकिन ईश्वर ने ऐसे ऐसे लोग साथ में जुड़े, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाया कि जिन्होंने ये सारा खड़ा किया। तो जब ईश्वर का कार्य कर रहे हैं तो ईश्वर के कार्य में कभी कमी नहीं होती है, और इसलिए मेरा विश्वास है कि फरवरी तक हम इसको पूरा करेंगे। और सुनील जी, जो आपकी चिंताएं हैं वो भी पूरे तरीके से दूर करेंगे, कोई चिंता करने का कारण नहीं है। मैं ये मानता हूं कि हमारा स्वप्न छोटा नहीं है, हमारा स्वप्न एनसीआई कंप्लीट करने के बाद वो अच्छे तरीके से संचालित हो, यहां तक हमारा स्वप्न पूरा नहीं होता, इसको देश के सर्वोत्तम संस्था में जब तक इसका शुमार नहीं होता तब तक हम लोग शांत नहीं बैठ सकते, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठ सकते, तब तक हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं आ सकती।